Assalamualaikum everyone, this is Dr. Sidra Ali and I welcome you all to another episode of Physio for You. Thank you so much, aapke itne acche feedback ke liye. Now, we will today talk about a simple protocol jo ke ghar pe use kiya ja sakta hai kisi bhi sort of pain ko treat karne ke liye jo ke muscular relevant hai, kisi inflammation ki wajah se hai, kisi overly aapne koi activity kar li hai, prolonged sitting ho gayi hai, there can be multiple reasons. Lekin ye jo treatment hai ye bahut easily ghar pe kiya ja sakta hai. Isko hum kehte hain RICE protocol. Char cheezon se milke banta hai, RICE. R mean rest, I mean icing, C mean compression and E means elevation. So, जिस part के अंदर आपको pain हो रहा है, जो injured part है, उसको rest दिया जाता है. Means के अगर आप बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं, तो आपने थोड़ा सा rest करना है. अगर आप बहुत ज़्यादा texting कर रहे हैं और आपके you know fingers में pain हो रहा है और यहाँ पे कोई muscular injury है, that means आपने अपने phone को side पर रख के घर वालों को time देना है. तो रेस्ट का मीनिंग चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस या द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सेकंड जिसके बारे में बात की, दैट वाज आइसिंग. आइसिंग सबसे बेस्ट चीज़ होती है किसी भी जगह की इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए. ओके, तो नाउ आइसिंग में क्या होता है कि आप डायरेक्टली आइस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट आइस इस्तेमाल करने से जो पेशेंट की बॉडी है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती, और अगेन आपको वो बहुत ठंडी लग रही होगी, पानी निकल रहा होगा, तो समटाइम्स लोग उससे इरिटेट हो रहे होंगे. तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक बैग के अंदर जो आइस पैक आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं टॉवल में रैप करके. दूसरा एक बहुत ही देसी टोटका है कि आप मटर के दाने पीस जिन्हें कहते हैं उनको एक प्लास्टिक के बैग में करके या एक कपड़े का थैला सी के उसमें रख सकते हैं और इनको आप फ्रीज कर देते हैं, और इसको भी एज अ आइस पैक इस्तेमाल किया जा सकता है. तो अगेन जिस जगह पे मसला है उस जगह को हल्के हल्के आपने आइसिंग की टकोर करनी है. अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करती चलूँ कि मोस्टली लोग आपको ये बोलेंगे कि अगर कहीं पे भी मसला हो रहा है तो वहाँ पे गर्म टिकोर कर लो, ठंडी टिकोर की जगह, वो ज़्यादा अच्छी है. बात दुरुस्त है, लेकिन जब भी कोई भी कंडीशन अभी के अभी स्टार्ट हुई है तो उसका जो एक्यूट फेज है शुरू के, लेट्स से यू कैन से 1 to 2 weeks ऑलमोस्ट, उस टाइम पीरियड में जितना अच्छा रिजल्ट आपको आइसिंग से आएगा वो आपको हीट से नहीं आएगा. दूसरा, हीट करने से किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो सकती है. सो दैट्स वाई अभी के अभी पेन शुरू हुआ है तो आइसिंग इज द बेस्ट टेक्निक टू यूज़. थर्ड थिंग आई सेड कंप्रेशन. कंप्रेशन का क्या मतलब है? हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ में दर्द आ रहा है तो उसको ड्रॉर के अंदर आपने दे पटकना है या मारना है. नो, आपने कंप्रेशन बैंडेज इस्तेमाल करनी है. देखा होगा आपने जिस तरह रिस्ट ब्रेसेस पहने हुए होते हैं या नी ब्रेसेस पहने हुए होते हैं एथलीट्स ने या लोगों ने. सो बेसिकली वो कंप्रेशन के लिए यूज़ होता है. और दूसरा जो इलास्टिक बैंडेज हम यूज़ करते हैं, अगेन वो भी आप टाई अराउंड कर सकते हैं जिस जगह पे भी मसला आ रहा हो वहाँ पे. इसके बारे में मैं एक छोटी सी सीक्वेंस भी बनाऊंगी कि आप किस तरीके से रैप कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को. और लास्टली ई फॉर एलिवेशन. तो जिस पार्ट का मसला आ रहा है यूजुअली एलिवेशन वाला प्रोटोकॉल आप सिर्फ अपने हाथों और पैरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पार्ट को आपने अपने हार्ट लेवल से थोड़ा सा रेज रखना होता है ताकि वहाँ पे जो स्वेलिंग हुई हुई है, जो ब्लड फ्लो कम हुआ हुआ है, यू नो, वो बैक टूवर्ड्स द बॉडी हो और स्वेलिंग वहाँ पे कम हो सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आप लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और मुझे बताएंगे कि पेन में कमी हुई या ज़्यादती हुई. थैंक यू.